अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मिस्टर? इस्लामाबाद में बहुत ज़बरदस्त मौसम है, अभी हम सईदपुर जा रहे हैं। छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट हैं वो बहुत खूबसूरत है। सैदपुर का ये एरिया है, कितना खूबसूरत जगह है। देखें बरहाल, ये तो अभी दोपहर है और इसके साथ साथ ये देखें कच्ची आबादी भी है। ये जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का ये कारनामा है और ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर हज़ारों पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर ऐसे खूबसूरत जगहें बन सकती हैं जो कि शहर से थोड़ा सा भी दूर हो ना, जैसे आदमी ट्रैवल करके चले जाता है। ये पुराना दरख्त देखें बोर्ड का, कितना ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है ऐसे दरख्त। और ये मंदिर है यहाँ पर, हर एक चीज़ की अपनी वैल्यू होती है। अगर कोई मंदिर है या मस्जिद है तो हमें इनका एहतराम करना चाहिए। जैसे इंडिया में अभी जो हाल हो रहा है कि वहाँ के जो बेअक्ल लोग हैं वो मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, तो कम से कम हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोगों को हर चीज़ का एहतराम करना चाहिए, देखना चाहिए, और शुक्र है कि हमारी कौम में शऊर है, बाकी किसी से नहीं वो डरते। ये देखें आप, ये ख़ास तौर पर दरख्त, और ये इस तरफ देखें तो ये एक मंदिर है। ये मंदिर है, ये काफ़ी पुराना लगता है मुझे, पुराने ज़माने का, जब यहाँ मेखल पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार? ये क्या चीज़ है? ये सारा मंदिर? अच्छा, ये भी सारा मंदिर का हिस्सा है? ये पूरा मंदिर का हिस्सा है और ये गुरुद्वारा है। देखो कितना नक्शो निगार है। यहाँ पर पुराने वक्त के ज़माने की देखे बिल्डिंग है, मुझे अभी भी रश्क आ रहा है कि कितनी खूबसूरत लकड़ी होती है और मज़बूत लकड़ी, जो कि मैं समझता हूँ हज़ारों साल चल सकती है। और नया ज़माना है और चीज़ों की वैल्यू कुछ नहीं है। ये देखें पिक्चर्स लगी हुई है सारी। बाबा कायद अजम, हमारे सलूट मारता हूँ मैं बाबा साहब कायद अजम साहब को, कि आपका जो बातें थी बिल्कुल सच्ची हैं और हकीकत है। आज मुसलमानों को एहसास हो जाना चाहिए कि अगर जो पाकिस्तान ने बाबा कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने पाकिस्तान बनाने का जो ख्वाब ये सोचा, तो वो इतना ज़बरदस्त था कि आज हमें एहसास हो रहा है कि हम आज़ाद मुल्क में जो है ना घूम फिर रहे हैं और हर चीज़ की हमें आज़ादी है। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। और ये देखें दरवाज़ा लगा, अभी भी ये सॉलिड है। ये गुरुद्वारा है और यहाँ पे भी इबादत होती होगी। बस ये मुख्तसर जगह है लेकिन बड़ी खूबसूरत है। ये क्या लिखा है? इसने अपना नाम लिखा हुआ है, भाई सेवा सिंह रावलपिंडी। वो देखा है, मैं हमेशा जानवर देख के खुश हो जाता हूँ, इंसानों को भी देख के खुश होता हूँ, ये नहीं कि मैं लेकिन जानवर को ज़्यादा देख के खुश होता हूँ कि जानवर भी बिला वजह पैदा नहीं हुए। वो देखो कितनी बारीक सी डाली पे बैठा है। ये पत्थरों की ये बनी हुई है सीढ़ियाँ, बढ़िया अच्छी लग रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि आदमी मार्बल लगाए, ये चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। देखो यहाँ से देखना कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। और देखो वो पीछे, वो वहाँ तक ये कच्चे मकान बने हैं,
यहाँ ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। ओए ये रहा, ये रहा, छोटा है। मुझे बचपन में एक मरतबा जो है ना थप्पड़ मारा था। ये भी हमें धमका रहा है, देखिए। सैदपुर में आए हुआ और यहाँ पे हमारे दोस्त हैं, वो पश्तो में सलाब खान। सलाब खान, सलाद खान। अब सर के में लगा हुआ है, बेसिकली मैं आग नहीं बोल सकता हूँ। मैं जिसको भी अपना नाम बताता हूँ तो मैं दो तीन दफा रिपीट करता हूँ, फिर उसको समझ आता है। सलाब खान, सलाब खान, ये नहीं सलाब खान, नहीं सही है, सही सलाब खान नहीं। वो हम पार्लियामेंट हाउस गए थे तो उधर वो कार्ड बनाते हैं, उस पर नाम लिखते हैं, तो उस पर सलाब खान लिखा हुआ था। तुम्हारा नाम असल में सलाब खान है? सलाब खान होनी चाहिए। नहीं सलाब है ना? नहीं नहीं सलाब है। अच्छा अच्छा, सलाब खान को साथ यार एक मैंने दरख्वास्त की है कि एक ये गाना मुझे पश्तो में सुनाए। कौन सा क्वेश्चन सर? मैं भी तुम्हारे साथ गाऊंगा ना यार। वो कौन सा क्वेश्चन? अभी मुझे अभी तुमने वो कौन सा गाना गाया था वो जो काली कमीज वाला था? अच्छा लड़ छपे खबर तक तोर माला लौड़ा, लड़ छपे खबर तक कमीज तोर माला लौड़ा, साथ गाइए सर। लाशा पर सब पे खबर तक कमीज तोर माला लौड़ा, ताजा ताजा गुलू में वे मलोर मारा लौड़ा। अब सर ट्रांसलेशन, महबूब को कहते हैं कि जाके पेशावर जाके उधर से मतलब कमीज, काली कमीज मेरे लिए ले आओ, काली दो तीन ताजे ताजे फूल मेरे लिए ले आओ। पेशावर तो सर आपको पता है ना, शहजादों का शहर है, उधर वो चर्सी तिक्का भी मिलता है। उधर मैं गया था बहुत साल पहले, पेशावरी चप्पल भी मिलता है, चप्पल कबाब भी मिलता है, चप्पल कबाब मिलते हैं। तुमको उसमें क्या पसंद है? सर वो अब वो टिकटॉक पे भी चलते हैं ना कि वो तिवावाल से किसी ने पूछा, ऐसे पूछे कि आपको सब्जी में क्या पसंद है, फ्रूट में, तो उसने कहा कबाब, कबाब, तो वो कबाब बोलते हैं ना। तुमने कभी किसी को फूल दिया है? नहीं दिया ना सर। उधर तो गोली मारेगा पकड़ के, उधर उधर तो नहीं मारेगा, नहीं तो देंगे ना। तो सारी हसरतें इधर निकाल लो, उधर तो पुल का मतलब है कि गोली है, सही उधर तो सर गोली है। अच्छा तो और दूसरा मिसरा कौन सा था उसका? पुल तो दे दिया, आगे क्या बोलता है वो गाने में? वो कह रहे कि पमा दे वकलो पता उषा, पमा दे, पमा दे वकलो, पमा दे पकड़ो, उकड़ो, पकड़ो, उकड़ो, पता उषा, पता उषा, वाले दे मलशा लोई दे वाला खेवना, वाले दा मलेशिया लोई दो वाला खैर ने लो दो खड़ को कुछ और तो नहीं बुलवा रहा मैं। वो कह रहे हैं कि आपने मुझ पे तो करवाया है, जितने सतम आपसे हो सकते हैं वो तो आपने मुझसे करवाए, लेकिन अब आपके बच्चे मर जाए और जो तुम्हारे बड़े वो खैर भीख मांगने शुरू हो जाए। मैं एक बात बताऊं, महबूब इतना जालिम क्यों होता है? असल में मोहब्बत ये है कि अगर आपका महबूब नाराज हो जाए ना तो उसको जाने देना चाहिए, उसको बदवाएं नहीं देनी चाहिए। नहीं सर बदवाएं तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन तुमने कहा बच्चे मर जाओ, नहीं जो दिल होता है ना वो थोड़ा सा उसके लिए होता है ना। महबूब का काम होता है आप जिससे मोहब्बत करें, मेरे ख्याल में उसको आसान ही दो, उसको बोलो भाई मजे करो जाके। नहीं सर किधर मजे करो, आपको सुकून नहीं होता है, आपकी जेन यार मैं फिर मोहब्बत कैसी होगी? आपने अपने महबूब को तो तकलीफ दे ही नहीं सकता। नहीं सर महबूब जब आपको तुमने इश्क किया है? नहीं सर। तो फिर तुमको क्या पता? सर हमने लोगों को देखा है ना, इश्क जो है ना वो बस आजकल तो सर गूगल आपको सब कुछ सिखा देता है, दिखा देता है। हाँ लेकिन इश्क नहीं सिखा सकता, इश्क में आके आंखें बंद होती है, इश्क अंधा है ना। हाँ बिच्छू की तरह होता है, बिच्छू की तरह, जितना भी पालो आगे से डक देगा। नहीं वो इश्क की किस्में, इश्क ऊपर वाले से भी होता है, इश्क बड़ी बड़ी इकबाल की इश्क थी ना, वो तो बड़े लोग थे यार, इश्क वो तालीम का इश्क है, इश्क 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 हाँ इश्क था ना, इश्क था। अभी तुमको करने का इरादा है? कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए तो तुम मिल जाए, इतना स्मार्ट आदमी यार, कसम से हमने समझा कोई अंग्रेज यहाँ पे टोपी पहन के घूम रहा है। नहीं सर वो असल में टिन किया हुआ है ना। अरे इसका आंखें देखो माशाल्लाह, ये भी पठान है? ये पठान है। तुमको कौन है? नहीं नहीं वो
कौन कौन सा? मेमन। हम ये सब्जी अमूमन मेरे बारे में मशहूर है कि मैं जिसके लिए दुआ करता हूँ वो कबूल हो जाता है। अल्लाह सब दुआ करे कबूल हो जाए। मैं तुम्हारे लिए सबके लिए दुआ करता हूँ और ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए कि अल्लाह ताला तुम्हें जो है ना तुम्हारी दिल की ख्वाहिशें पूरी करे। आमीन आमीन सर, दिल की ख्वाहिशें। और तुम जितने अच्छे हो और मुझे लग रहा है कि तुम्हारे माँ बाप भी बहुत अच्छे होंगे। वालिद साहब तो नहीं रहे, जो भी होंगे कहीं भी होंगे दुआ करेंगे। वालदा की सेहत की दुआ करेंगे, खिदमत करते रहें और अल्लाह ताला तुम देख लेना तुम ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह की दुआ है, अल्लाह बिल्कुल ठीक होगा, फिर दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जरूर सर मुलाकात होगी। हम कहना अगर आप क्या हुआ है तो कावा पी लेते। नहीं नहीं, ट्रेडिशनल हमारे ट्रेडिशनल गुड़े हम गाँव से स्पेशल मंगवाते हैं। अच्छा, कावा होता है तो हम कावा बिल्कुल पीते बिल्कुल। उसने बनाया, ये क्या चक्कर है सर? ये बहुत बड़ी चक्कर है, बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा, मतलब ये कैमरे का वो पूरा मेमोरी फुल हो जाएगा। हाँ, कैमरा तो ऑन नहीं होता फिर बंदा खुल के हकीकत बंदा बोले। नहीं नहीं, हम लोग ऐसा नहीं बनाया, ऐसा रिकॉर्ड नहीं करता कि जिसमें कोई ऐसी बात हो ऐसा कोई। वो सर अपना असल में मैं टेंथ में था तो वालिद साहब की डेथ हो गई। वो सर डेथ हुई, प्रिपरेशन थी हमारी जो 18 दिन पहले दे देते तो इसमें सर पेपर स्टार्ट हो गई। तो मैट्रिक के पेपर में सर मैं उस टाइम सर 15 साल की एज था मैं। जब बंदा पेपर लिखता है तो लाजमी के लिए बच्चा हो, वालिद साहब पोतू हो तो सर वो मैं रोता था तो वो आंसू पेपर पे जाते थे। तो एक उस्ताद आता था, दूसरा आता था, मेरे जितने भी उस्ताद थे मुझे याद है टीचर्स मेरे जितने भी, तो उसमें प्रिंसिपल आते थे वो आते कंधे पर याद देते थे, दिलासा देते थे कि कुछ नहीं आप बस पेपर लिख दो आप इंशाल्लाह पास हो जाओगे और रोना नहीं, ये होना मतलब वो नया नया वो हुआ था, अबू की डेथ हुई थी किधर बर्दाश्त होता है। खैर मैं लास्ट पेपर से जब आ रहा था पेपर तो हमारे घर में ऐसा कि ये देख वगैरह मेहमान नवाज लोग सारे आए हुए थे। मैं पूछा घर में, 15 साल की उम्र में बहुत छोटा था, मैंने पूछा कि ये क्या है? तो अम्मी ने कहा है कि ये, वो रोते हुए मुझे गले में ला के रो रही है कि आपके अब्बू की 40वां है। तो वही 40वें में मेरे जो इस्लामाबाद में एक मशहूर मेरिट में नूर खान हमारे गाँव का है, नूर मोहम्मद नाम है लेकिन उसको नूर खान के नाम से लोग जानते, तो वो आए थे। मेरा एक सालिख काका जी नाम है, हम उसको मेरा चर्च हुए मैं उसको काका जी बोलता हूँ अपनी ज़ुबान में। तो वो आए थे, उसने कहा बेटा, उसने मुझे उसके साथ बिठाया है कि आपने कल इनके साथ जाना है, चाचा ने आपको जाना है तो इस्लामाबाद आप इस्लामाबाद जाओगे। ये 2011 की कहानी है। तो फिर मैं उधर उसके साथ मिला हूँ और मैं आया हूँ, उसने मुझे अगले दिन ले आया। वो मैं अम्मी को बोले, अम्मी रो रही थी कि नहीं यार बच्चे हो, वो नए नए हम पे आया हुआ है सब कुछ हमारे से। अम्मी रो रही थी, नहीं नहीं हमें आपकी उसकी ज़रूरत नहीं है, आप अभी तालीम है ये है वो, बच्चा छोटा था। लेकिन खैर सर मैं आ गया और कोई नहीं था जिम्मेदार, बड़ा भी मुझसे कोई नहीं था, मैं आ गया हूँ। तो 2011 में मुझे नूर मोहम्मद ने इधर ले आया। मेरा शनाख्ती कार्ड कुछ भी नहीं था इस्लामाबाद में, मुझे ये कंट्री क्लब में इधर उधर आगे पीछे लोगों को शो किया है लेकिन शनाख्ती कार्ड नहीं था। तो उसने कहा कि जब तक आपका शनाख्ती कार्ड नहीं है आप इधर करो। मेरा उस टाइम इधर के ग्राई एक मैनेजर था और भी ग्राई लोग थे ना, तो मैं आया हूँ। उसके बाद मैं सर ये 10 साल होने वाले हैं, तकरीबन 2020 चल रहे, 10 साल होने वाले हैं कि मैं उस टाइम से लगा हूँ। ये तुम्हारा ये रेस्टोरेंट है? जी जी, देश परदेश। तो ये सैदपुर आए ना आप तो सैराब खान के पास ज़रूर आए, आपको बड़ा अच्छा गाइड करेगा और यहाँ आके जो है ना आप इनसे कावा पिए। मैं कह रहा हूँ कि देखें गुड़ के साथ, ओहो, और ये बड़े अच्छे इंसान हैं, आप जब भी आए तो इनके पास कावा जरूर पीजिए। अलियाज अफरीदी, तेरी कॉपी ये खड़ी हुई है देख ले, याद कर अलीपुर को कसम दे तुम्हारी तरह। अच्छा। अगर अभी मैं तुम्हारा नंबर लेके जाऊंगा, व्हाट्सएप है ना तुम्हारा? जी व्हाट्सएप है। तुम्हारे को अगर उसकी तस्वीर भेजूंगा अगर तो बोलेगा तुम्हारा जवाब भाई है। झुड़वा है कहाँ? इसमें मैं बहुत से इसमें भी वैसे ही है सर। वो आपने रिपोर्टर फिल्म देखा है? हाँ, क्यों नहीं देखा यार, रिपोर्टर में जो हीरो है उसको देखा है वही बुरी यार। यहाँ पर एक मेरे दोस्त अल्लाह ताला ने मुझे नसीब किया बहुत ही प्यारे, वो सैराब खान। जी जी, मैं शुक्र है सैराब खान जी बोल रहा हूँ सही। अच्छा, तो मैं इतनी अच्छी इनसे गुफ्तगू हुई है, मैंने इनको स्पेशल ऑफर किया कि एक शेर जो है वो ज़रा
कह दें पश्तो में और उसका तर्जुमा ज़रूर बोलिएगा। जी जी सर, वो रहमान बाबा एक कहते हैं ना, पर वो लुई गाड़ी दखाओ पर मकाम शाह, लुई गाड़ी गंदेजान पजमक हक कल का तखम को लुई गाड़ी दखाओ पर मकाम शाह। वो कहता है कि अगर आपने कुछ पाना है तो आप जैसा जिस तरह तखम को जिस तरह बीज को हम मिट्टी में नहीं दबा देते, उसके बाद वो बढ़ जाता है, पौधा बन जाता है। तो जंदेजान पजमक हक कल का तखम जिंदा खुद को मतलब मिट्टी में दबना दे जिस तरह बीच होता है, कुलई गाड़े दखाओ पर मकाम शाह, अगर आपने कुछ पाना है तो आप मिट्टी के मुकाम पे आ जाओ, आप जमीन पे आ जाओ, वाह वाह वाह, तो तब आपने कुछ बनना है उसके बाद। मैंने कहा ना मजा आ गया, और भी है इसका नदलास पमिन राक नदेव का दिल पमिना, वो नदलास पमिन राक नदेव का दिल पमिना दादत तस्ता पखपला करवाज तस्ता दिकली। तो सर वो कहते हैं कि ना आपने प्यार से देखा है ना आपने प्यार से कभी हाथ दिया है, तो ये आपकी अपनी जगह है या आपके गांव का रिवाज है इस तरह कि आप लोग इतना सितम करते हो अपने महबूब को कहते हैं। अच्छा जी जी जी, बड़े मतलब जुल्म हुए, जुल्म हुए सर। तो बड़ा अच्छा ये जबरदस्त तुमने सुनाया, मजा आ गया मुझे तो। सर तुरा की शड़ंग रबाब के नंग रबाब के टंग पुख्तुन के नंग चिनवी दास तुरा दास रबाब दास अफगान न माने। हाँ तुम उर्दू में बताओ ना हमको। वो कहता है ना कि अपना तलवार में जो वो उसका एक आपका उसका आपका एक आवाज़ एक साउंड आता है ना, खस का आवाज़ आता है। तो तलवार में खस, रबाब में सुर, अफगान में नंग ना हो, ऐसा रबाब ऐसा तलवार ऐसा पश्तून न मनम, मतलब नहीं मानता हूँ ना, ऐसा पश्तून ऐसा तलवार ऐसा रबाब नहीं मानता। तो वो शेर पे जो वो आते हैं ना, तो उसने अल्फाज की चुनाव कुछ ऐसा किया होता है कि तुरा की शड़ंग रबाब के टंग अफगान के नंग चिनवी दस तलवार दस रबाब दस अफगान न मन। वाह जबरदस्त यार, तुमने तो कमाल कर दिया आज। तो हमारे जो है ना यहाँ पे धूप भी निकला है, मजा आ गया, और तुम्हारे कावा बड़ा मजे का था, हमने आते साथ इस केतली को देखा। थैंक यू वेरी मच वो सैराब खान। तुम कराची आओ तो फिर हम तुम्हारे को वहाँ पे अपना उर्दू में सुनाएगा इंशाल्लाह सर, कश्ती में लेके जाएगा तुम, उधर मच्छी भी खिलाएगा। बिल्कुल सर, ये मेरा वादा है, आ जाओ। कौन सा जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह जरूर कराची का। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें तरक्की दे और तुम जबरदस्त आदमी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Let's go.